दोस्तों, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए एंड ऑलवेज रिमेम्बर एज यूजुअल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शिप में एंकर कैसे डालते हैं और क्या चीज़ों को आपको कंसिडर करना चाहिए एंकर डालने के पहले। तो इसमें मैं प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताऊंगा कि विंडलास कैसे ऑपरेट करते हैं एंड बोसन क्या करता है, बिकॉज ये मैंने देखा यूट्यूब पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ हैं उसके बारे में। बट एंकरिंग जो ब्रिज पे जो चीज़ें होती हैं, एंकरिंग किस कैसे पोजीशन डिसाइड की जाती है, कैसे स्पीड डिसाइड की जाती है, ये सारी चीज़ों के ऊपर वीडियो नहीं है तो मैं ये एक्सप्लेन करूँगा। डेप्थ, एंकरेज एरिया चूज़ करने में डेप्थ बहुत क्रिटिकल है। 100 मीटर से अगर ज़्यादा डेप्थ है तो उसमें एंकरिंग करना रिकमेंडेड नहीं है। उससे बेटर ये होता है कि जहाज़ ड्रिफ्टिंग करता रहे। ड्रिफ्टिंग करने में इंजन चलाना पड़ता है वंस इन अ व्हाइल एंड जहाज़ को वापस से पोजीशन लाना पड़ता है, बट इसको ज़्यादा सेफ समझा जाता है। जैसे कि फुजायरा, वहाँ पे 120-130 मीटर भी है डेप्थ, बट एंकरिंग करना इतना आसान नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। ये है कि प्रोटेक्टेड वाटर्स है। टाइप ऑफ बॉटम, अगर मुझे ऑप्शन मिले कि सैंड और क्ले और रॉक्स में किस क्या बॉटम में एंकर डालना है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसी जगह पे एंकर डालूंगा जहाँ पे कि सी बेड में होल्ड काफ़ी अच्छा है, सो दैट मेरा एंकर ड्रैग नहीं करेगा एंड एंकर एंड चेन उसके अंदर आराम से घुस जाएगा एंड होल्ड करेगा अपनी पोजिशन। नेविगेशन हैजर्ड्स, अब रोटरडैम जैसी जगह में जब हम एंकर डालते हैं तो 3 केबल 4 केबल्स पे शिप्स रहते हैं, तो नेविगेशनल हैजर्ड्स देखना चाहिए, एक बेस्ट पोजीशन ढूंढनी चाहिए कि आपके साइड में कोई बॉय तो नहीं है या कोई आइसोलेटेड डेंजर मार्क तो नहीं है या कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। एडजेसेंट शिप्स, अगर आपके पास जगह है, अगर आप एंकरेज एरिया चूज़ करते हैं तो जाने से पहले ही रेडार पर हम एक VRM मारते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कितना मिनिमम क्लियरेंस हमें दूसरे शिप से मिल रहा है, सो इसे कहते हैं एडजेसेंट शिप से क्लियरेंस। हार्बर ट्रैफिक लेन्स, ट्रैफिक लेन्स के पास एंकर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर शिप ट्रैफिक लेन्स के पास का एरिया अवॉइड करना चाहिए, इनफैक्ट प्रॉपर एंकरेज एरिया के अंदर जाकर डालना चाहिए, क्योंकि लेन्स के साइड में अगर कोई शिप के नेविगेशन में एरर होती है तो वो प्रॉबली आपको आके हिट करेगा। वेदर्स एंड नेविगेट्स, वेदर कंडीशन अगर बहुत ख़राब है तो हम एंकर में थोड़े ज़्यादा शैकल डाल देते हैं, और अगर विंड स्पीड आपकी 28-30 knots तक जाती है तो एंकर उठाकर ड्रिफ्टिंग करना ही रिकमेंडेड होता है। एंड नेविगेट्स जितने भी एंकरेज एरिया में अवेलेबल हैं लाइक चार्ट्स पे मार्किंग्स, बॉयज, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए एंड अप्रोच हमेशा इनटू द विंड या इनटू द वेदर और करंट रखना चाहिए, सो दैट आपके पास हमेशा शिप का अच्छा कंट्रोल रहे। एंकर करने के लिए एक तो शिप की स्पीड बहुत कम होनी चाहिए, लाइक मैं काम करता हूँ 45-50,000 डेड वेट के शिप्स में, इसमें 1.5 या लेस नॉट्स की स्पीड पर ही एंकर को ड्रॉप किया जाता है। अगर बहुत डीप एंकरेज है तो 1 या 2 शैकल ऑलरेडी पानी के अंदर चेन को लटका दिया जाता है और उसके बाद एंकरिंग की जाती है। तो फर्स्ट रिलीज फ्यू केबल्स टू जस्ट होल्ड द बॉटम, और जैसे ही एंकरेज एरिया में जाएंगे तो हम नॉर्मली 3 शैकल 4 शैकल डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ वो डाल देते हैं। 1 शैकल 27.5 मीटर का होता है, तो 4 शैकल हम डाल देते हैं और देखते हैं कि शिप होल्ड कर रहा है कि नहीं, और एक बार जब पता चल गया कि शिप होल्ड कर रहा है और इसमें टेंशन आ गई है, उसके बाद ही हम रिलीज़ करके 6 शैकल और 7 शैकल्स कर देते हैं। दोस्तों, एंकरिंग ऑपरेशन तो मास्टर करता है, बट उसके बाद ड्यूटी ऑफिसर एज अ जूनियर ऑफिसर, कैडेट, थर्ड ऑफिसर एंड सेकंड ऑफिसर का ये काम होता है कि वो वॉच पे इंश्योर करें कि एंकर ड्रैग नहीं हो रहा है एंड शिप अपनी जिस पोजीशन में एंकर डाला है उसी में है एंड एंकर होल्ड कर रहा है अपनी पोजीशन में। तो ये चेक करने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, एक होता है स्विंग सर्कल एंड दूसरा होता है ड्रैग सर्कल। मैं काफ़ी सारे जूनियर ऑफिसर्स का इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे जूनियर ऑफिसर एंड कैडेट्स को पता भी नहीं होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्विंग सर्कल एंड ड्रैग सर्कल। तो ये जो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब आप नेविगेशन वॉच करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये पता करने में कि शिप ट्रैक कर रहा है कि नहीं, और इसे कैसे बनाया जाता है। अगर पेपर चार्ट्स हैं तो पेपर चार्ट्स पे भी कर सकते हैं, और एग्डिस है तो एग्डिस पे भी आप इस चीज़ को बना सकते हैं, और आजकल काफ़ी इक्विपमेंट्स एडवांस हो गए हैं तो बहुत ही आसानी से आपको पता लग जाएगा कि शिप ट्रैक कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझिए कि ये मेरा शिप है एंड मैंने डाले हैं 6 शैकल्स, ये मेरी चेन की लेंथ है,
anchor. तो जब शिप अप्रोच करेगा एंकरेज एरिया तो एंकर यहाँ पे डाला जाएगा, राइट। शिप एंकर रिलीज करेगा तो यहाँ पर एंकर की ये पोजीशन होगी। ड्यूटी ऑफिसर का काम होता है जब एंकर मास्टर जैसे ही बोलता है लेट गो एंकर, तो ड्यूटी ऑफिसर का काम होता है ब्रिज में कि वो नोट करे जीपीएस पोजीशन एंड अगर बेरिंग मिल रही है तो रेडार एंड यू नो टेरेस्ट्रियल पोजीशन, एंड ऑल्सो नोट करे बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हेडिंग। सो अब मुझे पता है कि जब एंकर ड्रॉप किया गया तो जीपीएस पोजीशन ये थी एंड हेडिंग ये थी। मुझे ये भी पता है कि ब्रिज से शिप का डिस्टेंस कितना है, समझिए 145 मीटर है। तो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू माइल। फॉर योर इंफॉर्मेशन 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर, जो कि 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम होता है। तो इस कन्वर्जन रेशियो पे आप निकाल सकते हैं कि एंकर किस पोजीशन में ड्रॉप किया। अब एंकर जहाँ ड्रॉप किया ये हो गया आपका सेंटर ऑफ द सर्कल। अब स्विंग सर्कल का एक रेडियस होता है और ड्रैग सर्कल का एक रेडियस होता है। स्विंग सर्कल का ये काम है कि वो आपको उसके अंदर ही शिप स्विंग करेगा, शिप की कोई भी पोजीशन कभी भी उसके बाहर नहीं आएगी, दैट इज स्विंग सर्कल। बेसिकली अगर कोई नेविगेशन हैजर्ड्स है बाजू में या दूसरा शिप है तो स्विंग सर्कल से आप डिटरमिन करेंगे कि शिप आपका बाहर जा रहा है कि नहीं। ड्रैग सर्कल का काम अलग है। ड्रैग सर्कल का काम सिर्फ ये है कि वो ये बताएगा कि एंकर ड्रैग किया या नहीं किया। वैसे तो इनके डायमीटर में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट ये माइन्यूट फ़र्क है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है ये। तो आपको यहाँ से मिल गया सेंटर। इसके बाद आप लेंगे, अगर मैंने फाइनली कैप्टन ने 6 शैकल्स डाले हैं तो 6 शैकल्स की लेंथ आप इसमें ऐड करेंगे विच विल बी 27.5 मीटर इंटू 6, क्योंकि ये आपने चेन रिलीज़ किया। इसके अलावा आपको लेना पड़ेगा शिप का फुल लेंथ पूप डेक तक। मान लीजिए मेरा शिप होता है नॉर्मली 183 मीटर का, तो मैं वही लेता हूँ। तो इसमें ये हो गया प्लस 183 मीटर्स। सो ये लेकर आप एक सर्कल बनाएंगे। सो आपने ये जो सर्कल बनाया है ये सर्कल है स्विंग सर्कल। ड्रैग सर्कल हमेशा स्विंग सर्कल से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि आपको पोजीशन हमेशा ब्रिज से मिलती है, आपको पीछे से पोजीशन नहीं मिलती, आगे से पोजीशन नहीं मिलती। तो जब आप ड्रैग सर्कल बनाएंगे तो आप सेम चीज़ लेंगे 27.5 into 6, में भी आप वही लेंगे 27.5 into 6, बट डिफरेंस यहाँ पे 183 मीटर पूरा शिप का लेंथ आप नहीं लेंगे, जबकि आप लेंथ लेंगे 145 मीटर, जो कि है बाव से ब्रिज का डिस्टेंस प्लस 145 मीटर। तो आपका जो ड्रैग सर्कल होगा वो थोड़ा सा स्विंग सर्कल से छोटा होगा। अब जब आप ब्रिज पे वॉच कर रहे हैं तो जैसे ही आप देखेंगे कि अगर आपके जीपीएस पोजीशन आप शिप की प्लॉट कर रहे हैं या आपके शिप दिख रहा है, अगर वो इस इनर सर्कल से बाहर है, मतलब आपका एंकर ड्रैग किया है। और जबकि ये स्विंग सर्कल हम बनाते हैं टू इंश्योर कि कोई भी नेविगेशन हैजर्ड से आइसोलेटेड डेंजर मार्क बॉय या कोई भी शैलो वाटर्स एनी उसके शिप प्रोटेक्टेड रहे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया स्विंग सर्कल और ड्रैग सर्कल का डिफरेंस। एंड आई होप अगर आपको नहीं कुछ डाउट भी है तो शिप में एक पब्लिकेशंस होती है बाउडिज करके, उसमें आपको ये चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हैप्पी सेलिंग, बॉन वॉयज एंड जय हिंद दोस्तों।